तो दोस्तों इन चार कंपोनेंट्स, ये चार प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जिससे हम आज बनाएंगे एसी का वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, आप इससे 100-200 वाट तक आराम से जो है बल्ब हो चाहे फैन हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पंखे के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, जो कि आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, उससे अच्छा है कि आप घर पर बना लीजिए। या आप देख सकते हैं केवल चार कंपोनेंट लगेंगे, 4 से 5, और बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, इसको फिक्स करेंगे हम। ये जो मॉस्फेट है, ठीक है, या ट्रांजिस्टर जो भी है, BT136 है, इसको आपको ले लेना है। ये एसी पर ही काम करता है। और एक बात और, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ था ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वाला, ये हमने PCB डायरेक्ट माउंट कर लिया है। पिछले वीडियो में नहीं दिखाए थे, लेकिन इस वीडियो में दिखा देते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से दोस्तों वर्क कर रहा है। जो पहले का बनाया हुआ था ये वाला है, इसी तरह से ये है। इसको हम लगाएंगे दोस्तों सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, जो आपको हम बताए थे। सोल्डरिंग आयरन जो ज़्यादा हीट हो जाता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, इसी में हम इसको लगाएंगे। इसको नहीं लगाएंगे दोस्तों, इसको लगाएंगे। हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए कि कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों और सोल्डरिंग आयरन लगा देंगे। अपने हिसाब से उसका जो वोल्टेज है वो मैनेज करेंगे हम, ताकि जो ज़्यादा ये हीट ना हो। अब दोस्तों आप देखते जाइए, अब हम बनाते चलेंगे। ये हमने जो भी इसका है लपेट लिया है, लपेटने का मतलब समझ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये दोनों पिन का यूज करेंगे। और जो ये वाला पिन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका यूज हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसका करेंगे आप तो उल्टा काम करेगा, इन दोनों का काम करेगा सीधा काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, 15K, ठीक है, 15 किलो आपको रजिस्टेंस लेना है। जैसे 15K का है, जो कि 1 वाट में है, 1 वाट में आपको ले लेना है। ये कहाँ लगेगा दोस्तों, ये सीधे लगेगा यहाँ पर। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस किनारे वाला लगाने के बाद हम इसके जो ये मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर है, इसके हम बीच वाले पॉइंट पर लगाएंगे। आप हमें कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये लग चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमें लेना है DB3, ठीक है, ये डाइक है। यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं DB3, इस तरह से। इसको आप किधर भी सही लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख सकते हैं, एक पोटेंशियोमीटर के बीच में लगाना है दोस्तों, ठीक है। आपको जैसे जैसे बताते चल रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से आपको काम करना है। ये देख सकते हैं मॉस्फेट के 3rd नंबर पिन पर आपको लगाना है, एक जो कि ये गेट है, और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर है, उसके बीच वाले पॉइंट पर आपको लगाना होगा, ठीक है, बीच वाले पॉइंट पर। और हो जाएगा जो ट्रांजिस्टर है, इसके 3rd वाले पिन पर लगेगा। ये दोस्तों लग चुका है। अब इसके बाद आता है ये जो है पोटेंशियोमीटर फ्रेंड्स, ये आपको 500K का लेना है। हमें 500K का नहीं मिला था, तो हम 470 वाला ले लिए हैं। 500 लेंगे, बढ़िया काम करेगा, ठीक है, इसे नीचे का सही से काम नहीं करता है। अब इसके बाद ये देख सकते हैं 100 NF का है, ठीक है, 400 वोल्ट में। आप 0.1 NF का भी ले सकते हैं, 0.1 UF रहेगा, ठीक है, ठीक है, 100 NF है तो 0.1 UF 400 वोल्ट में। ये कैपेसिटर आपको ले लेना है। और कैपेसिटर कहाँ लगेगा, जो ये ट्रांजिस्टर इसके 1st वाले पिन में लगेगा, और ये चला जाएगा सीधे बीच वाले पॉइंट में, पोटेंशियोमीटर के बीच में। इसको भी हम फ्रेंड्स लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार का कनेक्शन है, आप देख लीजिए, पोटेंशियोमीटर का 2 पिन हमने यूज किया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से है, यहाँ पर ये 3rd वाले पिन पर लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। अब जो है इसका है, अब इसमें हम इनपुट और आउटपुट कहाँ से जोड़ेंगे आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट जोड़ लेते हैं, ठीक। इनपुट कहाँ होगा, जो 1st वाला पिन है यहाँ पर, आउटपुट बीच वाले पिन से मिलेगा। यहाँ पर वायर हम जोड़ लेते हैं एक। तो दोस्तों आपने इसका रिव्यू देख लिया, अब है टेस्टिंग की बारी, ठीक। यहाँ पर हमने बताया था इनपुट और बीच में जाएगा आउटपुट। अब कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम PCB पे भी माउंट कर लेंगे,
ठीक है, क्योंकि दिखाएंगे क्या आपको डायग्राम पता ही हो गया, कुछ करने की जरूरत है नहीं फ्रेंड्स। अब क्या करना है, अब सिंपल सा है, 100 वाट का बल्ब लेंगे हम, ये 100 वाट का बल्ब हो गया फ्रेंड्स, और टेस्टिंग करा के आपको हम दिखाते हैं। ये सब करना पड़ता है दोस्तों नए सब्सक्राइबर के लिए, पुराने तो पता ही है, वो सब जानते ही हैं। ये हो गया दोस्तों, अब हमें चाहिए एक बोर्ड। ये हमने दोस्तों बोर्ड को ले लिया है। अब इसके बाद जो बैलून है इसको हम पूरी तरह से कम कर देंगे, एक प्रकार से इसे आप समझिए, जो कैपेसिटर है थोड़ा सा इसको हम घुमा देते हैं ताकि रखने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से कम होगा, याद रखिएगा ये रिस्की काम है, तो जिनको जानकारी नहीं है वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे, अन्यथा अगर करंट लग जाती है तो ना मेरी जिम्मेदारी होगा ना मेरी वीडियो का कोई जिम्मेदारी होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, इसको हम आपस में यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक, इसको हम ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो चुका है। अब जो बल्ब है इसको हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे ये ऑन होगा। ठीक, ये इस तरह से है सभी चीजें। खुले में कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आप भी करिएगा, आप बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरे प्रोटेक्शन के साथ अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में अगर प्रॉब्लम होगा कुछ होगा तो ठीक है, इस बार जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा। अब इसको हम बढ़ाते हैं, बड़ी सावधानी से काम करेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फिर ये जो काम करना स्टार्ट हो गया, काफी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है तो उसके बाद काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये काम कर रहा है, काफी ये हाई ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। ये बिल्कुल भी ठंडा भी है, ठीक है, क्योंकि ये 200 वाट तक भी ये आराम से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 वाट का आपको हम चेक करा देते हैं, खराब होगा देखा जाएगा, लेकिन इसकी क्षमता होता है, बताया जाता है 1000 वाट तक, लेकिन उसको तरीके से बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसी तरह बनाकर हम लगा देंगे डायरेक्ट काम करेगा, नहीं। जैसे इन्वर्टर वाला होता है 350 से 400 से 500 वाट तक काम करता है, 2-2, 4-4 MOSFET की वाला, तो उस तरीके से बनाया जाता है, जो नॉर्मली बनता है वो हीट होता है। अब इसको हम लगा देते हैं, फिर लग चुका है, अब इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर ये चार्ज होगा, ये देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब भी चल रहा है, 100 वाट का बगल में रखा हुआ है, काफी फुल ब्राइटनेस फेस ये ग्लो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सोल्डरिंग आ रहा है फ्रेंड्स हमारा जो है ये अच्छे से काम करेगा, अब सोल्डरिंग आया ज्यादा हीट नहीं होगा, बहुत हीट होता है फ्रेंड्स, इतना हीट होता है कि सोल्डरिंग नहीं करता है ये, इसको भी बताएंगे अभी हम, जब इसको हम वोल्टेज कम देगा तब इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसको टच कर रहे हैं, बिल्कुल भी हीट नहीं है, ठीक है, एकदम कूल है। तो ये है दोस्तों टेस्टिंग है आज का, और एक फैन मोटर है उसको भी हम टेस्ट करा के आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों हम केवल बल्ब को नहीं सभी को टेस्टिंग करा के दिखाएंगे, मतलब कि फैन और बल्ब साथ में ही रहेगा, ठीक, और एक जो हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। इन दोनों दोस्तों हमें बोर्ड में लगा देना है इस तरह से, ये लग चुका है, अब इसको हम ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो फैन है वो अभी ही चलना स्टार्ट हो गया, इसको हम ऑन करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो फैन है वो चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो बल्ब है अभी वो नहीं जल रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, हाँ दोस्तों काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो बल्ब है वो भी जल रहा है, जो फैन वो भी चल रहा है, यानी दोस्तों इस फैन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये अपने धुन में चल रहा है, यानी स्पीड पकड़ लिया तो ये चालू हो गया है, ये नहीं कि ये वोल्टेज लाइन कम बेसी हो तो कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बल्ब जो है वो अपना कम बेसी हो रहा है, लेकिन जो ये फैन है वो वाला नहीं है, ये डायरेक्ट चलेगा तो चलता रहेगा, ठीक है, एसी वाला फैन है, इसलिए नॉर्मल फैन का टेस्टिंग बाद में किया जाएगा, अभी फिलहाल के लिए वीडियो काफी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से हम फ्रेंड्स विदा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, अभी मिलने से पहले एक बार हम आपको दिखा देते हैं जो सर्किट बनाए हुए हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर ही बसते हैं और नए लोग बहुत कम होते हैं। ये है दोस्तों सर्किट, तो इनको साइड कर लेते हैं दोस्तों। ये सर्किट जो है इसको हम पीसीबी पे लगाए हैं, देख सकते हैं आप काफी छोटा सा ये बन गया है, ठीक है, छोटा सा और
और भी पावर वाला जो बनाने के लिए उसके लिए और सिस्टम अलग से बनाना होगा, ठीक है। ये वाला बढ़ जाएगा संख्या, MOSFET का ही रहेगा, या दो आप कर सकते हैं, या आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छे से जो है बन गया है, छोटे से पीसीबी में आप इसको देख सकते हैं इस तरह से हाथ में अगर रख रहे हैं तो, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा पीसीबी में दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। इस प्रकार का जो मॉड्यूल है आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कितने में पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।